नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है पटना से, जहां पर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के नेतृत्व में भूख हड़ताल किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से पप्पू यादव ये सवाल खड़ा करते आए हैं कि किस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो लगातार गिर रही है, शिक्षा में भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं बिहार के जो मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं जो इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री पर भी उन्होंने कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर उन्हें जवाब नहीं मिला है। इसको लेकर के आज उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी जाप के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। जिस तरह से लगातार ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किस तरह से जितने उनके समर्थक हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसे सही की जाए, शिक्षा में सुधार की जाए, स्वास्थ्य की जो नीतियाँ बनी हुई हैं उसमें सुधार की जाए। वहाँ पर हमारे संवाददाता अक्षय आनंद मौजूद हैं, जिन्होंने खास बातचीत की है प्रेमचंद से। सुनिएगा इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या मांग है और क्या प्रदर्शन है आज? सीधा है सवाल है हमारा राज्य सरकार से कि आज आप आए थे जंगल राज कह कह के, लेकिन जंगल राज से भी भयानक राज आपने स्थापित कर दिया। 56-47 जैसा हथियार लहरा रहा है आपके राज्य में। एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, न किसान सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है। मुंगेर में 47 पकड़ाता है, पटना में पकड़ाता है, मुजफ्फरपुर में लहराता है, हाजीपुर में 56-47 लहराता है। नीतीश कुमार जी, ये कौन सा राजपाट चला रहे हैं 47 का? संसद में भी जब मुद्दा उठाया गया पप्पू यादव द्वारा तो उसे नहीं सुना गया। हमारे नेता लगातार सड़क से सदन तक लड़ते रहे हैं, राज्य सरकार कान में रुइया डाल करके सोई बैठी है। हमारे नेता एक सवाल पर नहीं लड़े हैं, उनके कार्यकर्ता लाठी भी खाए हैं, गोली भी खाए हैं। हम सरकार को हमेशा सचेत करते रहे हैं कि आप राज्य सरकार सत्ता नहीं चला रहे हैं, राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। नहीं होता है तो गद्दी छोड़ दीजिए, दे दीजिए जन अधिकार पार्टी को। हमारे लिए वक्त मात्र 6 महीना काफी है। हम बिहार में सुशासन क्या असली राम राज अकबर राज भी लाकर स्थापित करके दिखा देंगे, लेकिन आपको कुर्सी का मोह है, किसी को बेटे का मोह है, किसी को अपने का लोभ है। इसीलिए बिहार की जनता आज पिस रही है, लगातार पस्त हो रही है। आगे क्या प्रदर्शन होगा आप लोग? हमारा लगातार, आपको याद होगा हमने धरना से शुरू किया था, हमने प्रदर्शन आक्रोश मार्च किया था, हमने राजभवन मार्च किया, हमने अर्थी और जुलूस और हमने इनका अंतिम संस्कार सभा भी किया था। हम आज उपवास पर बैठे हैं, हम जेल भरो अभियान भी करेंगे और हो सकेगा तो मुख्यमंत्री जी आपके दरवाजे पर आकर के जन अधिकार पार्टी तमाम बिहार के लोग हम आत्मदाह भी करेंगे आपके। बिहार बंद की बिहार को हमें बचाना, बिहार बंद की भी चेतावनी दे रहे हैं जनवरी में। बिहार बंद ये हमारा अंतिम निर्णय होगा, लेकिन इससे पहले आपको पग पग पर हम चैलेंज देंगे कि आप अभी भी मौका है समझ जाइए। आप गठबंधन और लठबंधन में मत रहिए, प्रेम बंधन में मत रहिए, कौन किसके साथ जा रहा है आ रहा है, बिहार को बचाइए। आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है गठबंधन में लोगों को ठगने और लोगों को बरगलाने के लिए नहीं, आपको बिहार को बनाने और बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन आप जो है कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और लोगों को गुंडों को छोड़े हुए हैं। तभी तो गुंजन खेमका मारा गया, रंगदारी मांगा गया अखिलेश जायसवाल से, एक व्यापारी जो दवा व्यवसायी वो भी मारा गया, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक वो भी मारा जाता है। बिहार कहीं सुरक्षित नहीं है, बिहार त्रस्त है। नीतीश कुमार जी कुंभकर्णी नींद छोड़िए, बिहार को बचा लीजिए। जिस तरह से आपने देखा वीडियो के माध्यम से और सुना क्या कुछ है उनकी मांगे, लगातार क्यों सरकार लोकसभा के अंदर विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका नहीं देती है? विधानसभा के लोगों का भी यही कहना है, विपक्ष में जो इस वक्त बैठे हुए हैं राजद हो या कांग्रेस हो, उनका भी यही कहना है कि हमारी विचारधाराएं तो मिल रही हैं लेकिन प्रश्न पूछने का इजाजत नहीं दिया जा रहा है। यदि प्रश्न ही नहीं पूछे जाएंगे तो कैसे चलेगा संसद, जिसका शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है, और कैसे चलेगी विधानसभा जब दोनों सभाओं में विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, जब एक तरफ कोई बैठेगा ही नहीं तो दूसरी तरफ से जवाब कैसे आएगा। हालांकि इन सभी मुद्दों को छोड़ करके इस वक्त लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर के एक और मुद्दा गरमाया हुआ है। फिलहाल शिक्षा और स्वास्थ्य नीति को लेकर के कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, अब जब पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं फिर भी उन्हें रोका जा रहा है, और इसको रोकने के लिए ही
उन्होंने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। आगे क्या कुछ होता रहेगा गर्दनीबाग से हमारे संवाददाता अक्षय आनंद लाइव सीरीज के जो वहाँ पर मौजूद हैं वो आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।